और इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे। जी हां, इंडिया गठबंधन की बैठक में राहुल गांधी के नाम पर मुहर लग गई है। यूपी की रायबरेली सीट से सांसद है राहुल गांधी और इस वक्त इंडिया गठबंधन की बैठक में राहुल गांधी के नाम पर मुहर लग गई। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे साथ हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। शरद जी, बड़ा फैसला इंडिया गठबंधन का और राहुल गांधी पर अब पूरा दारोमदार होगा इंडिया गठबंधन की तरफ से लड़ने का। बिल्कुल, जैसा शुरू में रिपोर्ट्स थी कि राहुल गांधी नहीं बन सकते हैं क्योंकि वो मैदान में ज्यादा सक्रियता रखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि पार्टी की तरफ से और इंडिया गठबंधन की तरफ से भी ये दबाव उन पर था कि ये समय जिम्मेदारियां लेने का है, उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाने का नहीं है। और यही वजह है कि राहुल गांधी अब विपक्ष के नेता होंगे और केसी वेणुगोपाल ने खुद ये जानकारी दी है अभी थोड़ी देर पहले, कुछ क्षण पहले। तो निश्चित तौर पर अब तय मानिए कि हाई पैक्ड एक्शन हमको सदन में देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा अध्यक्ष के इशू को लेकर ये चीजें हुई हैं, तो ये कहा जा सकता है कि अब ये मसला काफी सेटल्ड है और अब राहुल गांधी एक एग्रेशन के साथ नजर आएंगे और उनसे ये बार बार बात की गई है कि आप दूर मत हटिए चीजों से, अब ये जिम्मेदारी संभालिए, मैदान में भी सक्रिय रहिए और सदन में भी नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपनी धारदार तर्क शैली और एग्रेशन के साथ विपक्ष के मुद्दों को, जनता के मुद्दों को उठाइए। बिल्कुल शरद जी, क्या केवल राहुल गांधी के नाम पर विचार किया गया होगा या फिर इनके अलावा भी और कुछ नाम जो है इंडिया गठबंधन की तरफ से सामने होंगे? देखिए, राहुल गांधी ही एक ऐसा नाम था कि वहीं पर बात बार बार अटकती थी, इसलिए अगर आप देखें तो इतने दिन हो गए लेकिन अब तक हमारे सामने राहुल गांधी के अलावा कोई दूसरा नाम विपक्ष के नेता के लिए नहीं आया। हालांकि नाम क्यों नहीं हो सकते थे, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम वो नाम थे, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी उम्र और जिस तरह के एक तेवर की जरूरत है समय इंडिया गठबंधन को सदन में, वो तलाश राहुल गांधी पे ही पूरी होती हुई नजर आती थी। और यही वजह है कि किसी और नाम से अधिक राहुल गांधी पर ही दबाव था और आखिर उस दबाव को उन्होंने स्वीकार किया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी इस चर्चा के लिए और बातचीत के लिए। और निश्चित तौर पर देखिए, एक बड़ी खबर इस वक्त की यही कि राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे और राहुल गांधी पर अब पूरा दारोमदार होगा विपक्ष की तरफ से लड़ने का, अपनी बात रखने का। इंडिया गठबंधन की बैठक में ये एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, उनको आगे किया गया है, उनको ये कहा गया कि आप जिम्मेदारी आप उठाइए क्योंकि ये सही समय है जब आपको मुख्य धारा में आना चाहिए। तो इंडिया गठबंधन की बैठक में ये बड़ा फैसला दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल गांधी अब हमको सदन में लगातार दिखाई देंगे, अपने धारदार बातों से वो लगातार जो है यहाँ पर मुद्दों के खिलाफ बोलते हुए दिखाई देंगे।